देखिए, आज हम स्थल मंडल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे चट्टान कहते हैं, रॉक्स, इसे हम प्रारंभ कर रहे हैं। और इस चट्टान टॉपिक को समझने के लिए हमने कुछ कंटेंट्स या सब हेडिंग्स तैयार की हैं। उस सब हेडिंग्स में इस टॉपिक को समझेंगे। चट्टान की परिभाषा, अंतर संबंध एवं प्रकार, इस प्रकार से मैंने लिखा है। और इसके जो कंटेंट्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, सबसे पहले भूमिका, भूमिका के बाद चट्टान की परिभाषा, और भिन्न भिन्न विद्वान जैसे टार और मार्टिन किस प्रकार चट्टान को परिभाषित करते हैं, उसी प्रकार फिंच और टिवार्था, एके लोबेक महोदय के अनुसार चट्टान की क्या परिभाषा है, आर्थर होम्स और वार्सेस्टर महोदय किस प्रकार से चट्टान को परिभाषित करते हैं, इनकी परिभाषा को हम लोग देखेंगे। इसके बाद चट्टान के प्रकार पर आएंगे। और चट्टानें मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। इन चट्टानों के प्रकार को हम लोग समझेंगे। और इसके उपरांत जो टॉपिक का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है, चट्टानों का अंतर संबंध, चट्टानें किस प्रकार उच्चावच से संबंधित होती हैं या उच्चावच से इनका किस प्रकार अंतर संबंध है, चट्टानें किस प्रकार पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से संबंधित होती हैं, और इसके बाद चट्टानों का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक रूप से क्या संबंध हो सकता है, इस संबंध को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और इसी क्रम में हम ये भी देखेंगे कि चट्टानें किस प्रकार मनुष्य के अधिवास को प्रभावित करती हैं या अधिवास से किस प्रकार संबंधित होती हैं। और अंत में हम निष्कर्ष पर आते हैं। देखिए, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मुख्य परीक्षा में, अगर सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा गया है तो ये हो सकता है कि चट्टानें क्या होती हैं, चट्टानों की परिभाषा दीजिए एवं चट्टानों के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। और यदि इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और जटिल बनाना है तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चट्टानें क्या हैं, चट्टानों का पारिस्थितिकी पर्यावरण, चट्टानों का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अधिवास तथा उच्चावच से क्या संबंध है। हमें एक समग्रता के साथ किसी भी टॉपिक को तैयार करना है जिससे हम अपने आंसर राइटिंग को सिस्टमैटिक, तथ्यात्मक तरीके से और व्यवस्थित तरीके से एग्ज़ाम में लिख सकें। आइए अब हम अपने टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। देखिए, इस संसार में जो भी कुछ दिखाई पड़ता है उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। विज्ञान के अनुसार पदार्थ की परिभाषा है, जो कुछ हमें दिखाई पड़ता हो, ज्ञानेंद्रियां जिसका एहसास कर लेती हूं और जिसका कुछ अपना द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता हो, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, पदार्थ। पदार्थ कोई भी पदार्थ हो, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और यही कण अणुओं से बनते हैं और अणु परमाणु से निर्मित होता है। कोई भी पदार्थ है, एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से देखेंगे, बड़े से छोटे रूप में आएंगे तो पदार्थ में कण है, और कणों से छोटा अणु और अणु से छोटा परमाणु। ऐसा समांगी पदार्थ, हमने क्या बताया कि ऐसा शुद्ध और समांगी पदार्थ जिसमें समान प्रकार के परमाणु हों, समान प्रकार के परमाणु हों, तत्व कहलाता है। इस पृथ्वी पर लगभग 117 तत्व पाए जाते हैं और इस 117 तत्वों में 27 तत्व
को यदि छोड़ दें तो बाकी जितने तत्व हैं वो सारे तत्व प्राकृतिक हैं, नेचुरल हैं। यही तत्व रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, हमने क्या बताया कि पदार्थ है, पदार्थ जो दिखाई पड़ता हो, ज्ञानेंद्रियां जिसका एहसास कर लेती हूँ, जिसका अपना द्रव्यमान हो और स्थान घेरता हो, पदार्थ कहलाता है। और यह पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, कण अणुओं से और अणु परमाणु से मिलकर बने होते हैं। और परमाणु के बाद हमने आपको क्या बताया कि ऐसा शुद्ध और समांगी पदार्थ जिसमें समान प्रकार के परमाणु पाए जाते हों तत्व कहलाता है। और यही तत्व रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यौगिकों का निर्माण करते हैं। और इस प्रकृति में कुल 117 तत्व पाए जाते हैं, और यदि इनमें से 27 तत्वों को निकाल दें तो जो भी शेष तत्व हैं वो प्राकृतिक तत्व हैं। कि यही तत्व और यौगिक खनिजों के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अब एक नया शब्द मिला है, खनिज। अगर हम खनिज की बात करें और खनिज की को परिभाषित करने की कोशिश करें, आखिर ये खनिज क्या होते हैं? प्राकृतिक रूप में उपलब्ध एक समरूप पदार्थ, प्राकृतिक रूप में उपलब्ध एक समरूप पदार्थ जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है, जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है, और जिसके निर्माण में तत्व और यौगिक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तथा जिन्हें खनन करके निकाला जाता है खनिज कहलाते हैं। ये क्या है खनिज की परिभाषा, कि प्राकृतिक रूप में उपलब्ध एक समरूप पदार्थ जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है और जिसके निर्माण में तत्व और यौगिकों की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और जिसे खनन करके हम बाहर निकालते हैं, क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। और यही खनिज चट्टानों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, या यूं कह लें कि इन्हीं खनिजों से चट्टानें निर्मित होती हैं। अगर हम खनिजों की बात करें तो इस पृथ्वी पर 2000 से भी अधिक खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से लगभग 24 खनिज महत्वपूर्ण खनिज हैं। इनमें से भी 6 खनिज अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जो चट्टानों के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन 6 खनिजों में जो सबसे महत्वपूर्ण खनिज हैं वो फेल्सपार, दूसरे नंबर पर क्वार्टज, क्वार्टज के बाद पायराक्सिन, और पायराक्सिन के बाद एम्फीबोलस, और एम्फीबोलस के बाद माइका, और माइका के बाद अल्विन। अत्यंत महत्वपूर्ण खनिज हैं जो चट्टानों के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक विद्वान हैं जिनका नाम है स्ट्रालर। ये पृथ्वी
के कृष्ट का अध्ययन कर रहे थे तो इन्होंने क्या बताया कि ऑक्सीजन लगभग 46.80% पाई जाती है, ऑक्सीजन के बाद सिलिका लगभग 27.27%, सिलिका के बाद एल्युमिनियम लगभग 8.13%, एल्युमिनियम लगभग 8.13%, एल्युमिनियम के बाद लोहा 5%, और लोहा के बाद जो अन्य तत्व है कैल्शियम अगर परसेंटेज के रूप में देखें तो लगभग 3.63%, और कैल्शियम के बाद सोडियम और पोटेशियम। लगभग 2.5 से 3% तक पाए जाते हैं। ये सारी चीजें हम अपनी भूमिका में लिख सकते हैं। अब हम आते हैं परिभाषा पर। अगर हम साधारण अर्थों में बात करें, सामान्य परिभाषा की अगर हम बात करें, तो चट्टान के संबंध में कह सकते हैं पृथ्वी का भूपृष्ठ जिन समस्त पदार्थों से निर्मित है चट्टान कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी का भूपृष्ठ जिस समस्त पदार्थ से मिलकर या जिन समस्त पदार्थों से निर्मित है उसे हम चट्टान कहते हैं। साधारण भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि चट्टानें खनिज पदार्थों का समूह होती हैं। अगर हम भिन्न भिन्न विद्वानों की बात करें तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, टार और मार्टिन किस प्रकार चट्टानों को परिभाषित करते हैं। तो टार एवं मार्टिन महोदय के अनुसार चट्टान की क्या परिभाषा है, क्या कहते हैं, चट्टानें कई बार एक ही खनिज से निर्मित होती हैं, जैसे पहाड़ी नमक और चूना। आगे क्या कहते हैं, परंतु सामान्यतया चट्टानें दो या दो से अधिक खनिजों का योग भी हो सकती है। आगे क्या कहते हैं, परंतु सामान्यतया चट्टानें दो या दो से अधिक खनिजों का योग भी हो सकती हैं। ठीक है, ये क्या है, ये किसकी परिभाषा है, टार एवं मार्टिन की। इसके बाद दूसरे विद्वान हैं
जिनका नाम है फिंच और ट्रिवार्था। ये क्या कहते हैं? फिंच और ट्रिवार्था कि एक या दो से अधिक खनिजों के मेल से एक या दो से अधिक खनिजों के मेल से पृथ्वी की क्रस्ट में पाई जाने वाली चट्टानों का निर्माण होता है। पृथ्वी की क्रस्ट में पाई जाने वाली चट्टानों का निर्माण होता है। क्या कहते हैं कि एक या दो से अधिक खनिजों के मेल से पृथ्वी की क्रस्ट में पाई जाने वाली चट्टानों का निर्माण होता है। देखिए, खनिज की बात ये भी कर रहे हैं अपनी परिभाषा में, और खनिज की बात फिंच और ट्रिवार्था महोदय भी कर रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं एके लोबे के अनुसार। ये चट्टानों को परिभाषित करते हुए क्या कहते हैं कि इन्होंने एक किताब लिखी थी 1939 ईस्वी में। एक किताब लिखते हैं, इस किताब का नाम क्या था? जियोमॉर्फोलॉजी। अपनी इस किताब में चट्टानों को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि चट्टानें अपने पर्यावरण का प्रतिफल होती हैं। क्या कहते हैं कि चट्टानें अपने पर्यावरण का प्रतिफल होती हैं, और आगे क्या कहते हैं कि जब पर्यावरण बदलता है, क्या कहते हैं, जब पर्यावरण बदलता है तो चट्टाने भी बदल जाती हैं। क्या कहते हैं कि इनकी एक किताब है, किताब का नाम क्या है, 1939 ईस्वी में प्रकाशित होती है, और इस किताब का नाम क्या था? जियोमॉर्फोलॉजी। और अपनी इस जियोमॉर्फोलॉजी बुक में चट्टानों को परिभाषित करते हुए क्या कहते हैं कि चट्टानें अपने पर्यावरण का प्रतिफल होती हैं, और जब पर्यावरण बदलता है तो चट्टानें भी बदल जाती हैं। तो इस प्रकार चट्टानों को परिभाषित करते हुए लोबेक महोदय किस पर बल देते हैं? पर्यावरण पर। इसके बाद हम आते हैं आर्थर होम्स किस प्रकार चट्टानों को परिभाषित करते हैं। आर्थर होम्स के अनुसार चट्टान की क्या परिभाषा, क्या कहते हैं कि चट्टानें विभिन्न प्रकार के खनिजों का संयोग होती हैं। आर्थर होम्स बहुत साधारण सी परिभाषा बताते हुए कह देते हैं कि चट्टानें क्या हैं, विभिन्न प्रकार के खनिजों का संयोग होती हैं। इसके बाद एक दूसरे विद्वान हैं जिनका नाम है वार्सेस्टर। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका प्रकाशन 1980 ईस्वी में होता है। वार्सेस्टर महोदय के अनुसार ये किस प्रकार चट्टानों को परिभाषित करते हैं? देखिए, इन्होंने एक किताब लिखी थी जियोमॉर्फोलॉजी जिसका प्रकाशन 1980 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अपनी किताब में क्या लिखा था चट्टानों को परिभाषित करते हुए कि चट्टानों में दो या दो से अधिक खनिज पाए जाते हैं। पहली बात क्या लिखते हैं कि चट्टानों में दो या दो से अधिक खनिज पाए जाते हैं। आगे क्या लिखते हैं, इस आधार पर कहा जाता है कि चट्टानें
इस आधार पर कहा जाता है कि कुछ निश्चित तत्वों के संयोग से बनी हुई होती है, कुछ निश्चित तत्वों के संयोग से बनी हुई होती है। और अभी हम आपको बता चुके हैं कि तत्व क्या होते हैं, ठीक है। एक ऐसा समांगी शुद्ध पदार्थ जिसमें समान प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं वो क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है, ठीक है। तो ये वार्सिस्टर महोदय की परिभाषा हो गई। अब हम आते हैं चट्टान के प्रकार। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर इस पृथ्वी पर तीन प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। पहली चट्टान को आग्नेय चट्टान कहा जाता है, दूसरी चट्टान को परतदार चट्टान कहा जाता है और तीसरी चट्टान को रूपांतरित चट्टान कहते हैं। देखिए, चट्टान टॉपिक हम लोग आगे एक एक चट्टान के बारे में समझेंगे तो वहाँ पर हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है, क्यों? क्योंकि सबसे पहले इन्हीं चट्टानों की उत्पत्ति होती है। आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति ज्वालामुखी या ज्वालामुखी उद्गार से निकले हुए लावा के ठंडे होने से होती है और ये चट्टानें कठोर चट्टानें होती हैं और यहाँ पर जीवाश्म का पूर्णतः अभाव होता है और इन्हीं चट्टानों से अन्य यानी परतदार और रूपांतरित चट्टानों का निर्माण हुआ है। परतदार चट्टानें पूर्व में जैसे कोई चट्टान स्थित है उसके अपक्षय और अपरदन से। अपक्षय का मतलब क्या हुआ कि कोई भी चट्टान यदि अपने ही स्थान पर कमजोर हो रही है और कमजोर होकर टूट रही है तो उसे हम क्या कह देते हैं, अपक्षय। और यही टूटे हुए कण जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो इस प्रक्रिया को अपरदन कहा जाता है और यही टूटे कण अपरदन प्रक्रिया के फलस्वरूप कहीं पर जा करके इनका जमाव होता है और इस प्रक्रिया को निक्षेपण कह देते हैं। अर्थात परतदार चट्टानें पूर्व में कोई चट्टान स्थित है उस चट्टान के अपक्षय अपरदन और निक्षेपण के परिणाम स्वरूप निर्मित होती है। ये चट्टान परतदार होती है और इस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं और ये चट्टान आग्नेय चट्टानों की तरह सामान्य दशाओं में कठोर नहीं होती है। तीसरी चट्टान क्या है, रूपांतरित चट्टान है। जब कोई भौतिक कारक जैसे तापमान या दाब आदि के प्रभाव में चाहे वो आग्नेय चट्टान हो या परतदार चट्टान हो इन भौतिक कारकों के प्रभाव में आ जाती है तो अपने मूल स्वभाव संरचना को खो देती है और ऐसी निर्मित चट्टानों को क्या कह देते हैं, रूपांतरित चट्टानें कह देते हैं। आग्नेय चट्टानों के उदाहरण की अगर बात करें तो जैसे ग्रेनाइट महत्वपूर्ण आग्नेय चट्टान है, बेसाल्ट महत्वपूर्ण आग्नेय चट्टान है। परतदार चट्टानों के अगर उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी चट्टानें हैं परतदार, जैसे चूना पत्थर परतदार चट्टान है। रूपांतरित चट्टानों की अगर बात करें तो नीस है, गैब्रो है, सर्पेंटाइन है, ये सब कैसी चट्टानें हैं, रूपांतरित चट्टानें हैं। मैं फिर बता रहा हूँ कि इन चट्टानों के अपनी अलग अलग विशेषताएँ, अलग अलग भौतिक और रासायनिक गुणधर्म हैं, अलग अलग आर्थिक महत्व हैं। इन सब चट्टानों को हम लोग आगे के टॉपिक में विस्तृत तरीके से अध्ययन करेंगे। अब
हम आते हैं चट्टानों का अंतर संबंध, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चट्टानों का अंतर संबंध, चट्टानों का अंतर संबंध, इसको हम देखेंगे कि चट्टानें किस प्रकार उच्चावस से संबंधित होती हैं, किस प्रकार पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से अंतर संबंधित होती हैं, और किस प्रकार चट्टानें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक तंत्र से संबंधित होती हैं, और किससे देखेंगे, अधिवास से। अब हम आते हैं चट्टानों के अंतर संबंध पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चट्टानें किस प्रकार उच्चावच से अंतर संबंधित होती हैं। देखिए, उच्चावच, सबसे पहले हम ये समझ लें उच्चावच क्या होता है, कि इस पृथ्वी पर जो भी स्थलाकृतियां पाई जाती हैं वो सब क्या है, उच्चावच। जैसे पर्वत, जैसे पठार, जैसे मैदान, ये सब क्या है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली भिन्न भिन्न स्थलाकृतियां, और इन्हीं को भौगोलिक भाषा में हम लोग क्या कह देते हैं, उच्चावच। तो ये उच्चावच चट्टानों से किस प्रकार अंतर संबंधित होते हैं। अभी हमने आपको बताया कि चट्टानें तीन प्रकार की होती हैं। जैसे सबसे पहले आग्नेय चट्टान, दूसरे स्थान पर अवसादी चट्टान, और तीसरी चट्टान हमने क्या बताई थी, रूपांतरित चट्टान। कहीं पर यदि आग्नेय चट्टान है तो निश्चित ही वह क्षेत्र कैसा होगा, पठारी। पठारी का मतलब समतल नहीं या पर्वत नहीं, पर्वत अत्यधिक ऊंचे भाग होते हैं और पठार समतल नहीं होता है। यहाँ पर धात्विक खनिजों के पाए जाने की संभावनाएं अधिक होती हैं। हमने क्या बताया कि जहाँ जहाँ पर आग्नेय चट्टानें होंगी वहाँ वहाँ पर पठार के विकास की संभावनाएं अधिक हो जाएंगी। अवसादी चट्टानें, ये क्या हैं, अपक्षय और अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होती हैं। तो सामान्यतः ऐसी चट्टानों के द्वारा बड़े बड़े मैदानों का निर्माण हो जाता है। रूपांतरित चट्टानें, ये अत्यधिक ताप और दाब के प्रभाव में आ जाती हैं। कभी कभी हम आपको पहले प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बता रहे थे, तो वहाँ पर हमने बताया था चट्टानें आपस में टकराती हैं, तो टकराने के फलस्वरूप जब दाब बढ़ता है तो वहाँ पर या वहाँ पर पर्वतों का निर्माण हो जाता है, और इसी दाब के कारण इस पृथ्वी पर नवीन वलित पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ है। तो चट्टानें, ये पर्वत, पठार, मैदान, पर्वत, ये सब क्या हैं, कहीं ना कहीं चट्टानों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। अब यहीं पर जैसे मैं देख लूं, मान लेते हैं कि पठार है तो निश्चित ही समतल क्षेत्र नहीं होगा, वहाँ का अधिवास पैटर्न, वहाँ का बस्ती पैटर्न बिल्कुल अलग होगा। और यदि बड़े बड़े मैदान हैं तो निश्चित ही तौर पर वहाँ पर क्या है कि जो समतल बड़े मैदान हैं, समतल मैदान होंगे, वहाँ का बस्ती प्रतिरूप बिल्कुल पठारी क्षेत्र से क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। और अगर हम पर्वतों की बात करें तो निश्चित ही तौर पर वहाँ का जो पैटर्न है अधिवास का वो बिल्कुल अलग होगा। यानी चट्टानें उच्चावच को प्रभावित करती हैं, और यही उच्चावच यानी स्थलाकृतियाँ मनुष्य के अधिवास को भी प्रभावित कर देता है।
तो एक प्रकार हमने अभी आपको क्या बताया कि किस प्रकार चट्टानों का अंतर संबंध उच्चावस से है, और दूसरा मैं क्या बता रहा हूं, चट्टानों का संबंध किससे है, अधिवास से। अब मैं देखता हूं चट्टानों का संबंध पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से। चट्टानों का अंतर संबंध पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से। किस प्रकार चट्टाने पारिस्थितिकी और पर्यावरण को प्रभावित करती हैं या उससे किस प्रकार अंतर संबंधित होती हैं। अब देखिए चट्टाने हैं तो चट्टानों से ही मृदा का निर्माण होता है। हमने क्या बताया कि चट्टाने हैं, चट्टानों से ही मृदा का निर्माण होता है। मृदा का अपना रासायनिक संगठन होता है, उसकी अपनी पीएच वैल्यू होती है, उसका अपना तापमान होता है, उसकी अपनी आर्द्रता होती है। ठीक है, हर मृदा का एक अपना विशिष्ट या स्पेसिफिक गुणधर्म होता है, और हमने बताया कि उसमें उसकी रासायनिक वैल्यूज, उसका पीएच मान, तापमान, आर्द्रता क्या है, मृदा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। अब देखिए इस मृदा का सीधा सा संबंध वनस्पतियों के प्रकार एवं वितरण से है, यानी मृदा वनस्पतियां किस प्रकार की होंगी, वनस्पतियां विरल होंगी, वनस्पतियां संघन होंगी, वनस्पतियां कैसी होंगी, मृदा क्यों, क्योंकि मृदा से ही वनस्पतियों को क्या है, पोषक तत्व मिलते हैं। मृदा भिन्न भिन्न होती है, जिसे हम लोग जियोलॉजी की भाषा में जियो डाइवर्सिटी कहते हैं। क्या कह देते हैं, जियो डाइवर्सिटी। अब देखिए ये जियो डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी या यूं कह लें जैव विविधता को प्रभावित करती है। ठीक है, और इस जैव विविधता में क्या होंगे, उत्पादक होंगे, इस जैव विविधता में उपभोक्ता होंगे, और इस जैव विविधता में अपघटक होंगे। हमने क्या बताया कि चट्टाने किस प्रकार पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से अंतर संबंधित होती हैं। मान लेते हैं चट्टान है, चट्टानों से मृदा निर्मित होती है, और प्रत्येक मृदा ये डिसाइड करती है, निर्धारित करती है कि वहाँ पर किस प्रकार की वनस्पतियाँ होंगी, और ये यूँ कह लें कि जैव विविधता को निर्धारित करती है, और कहीं की जैव विविधता का सीधा सा संबंध किससे है, उत्पादक से, उपभोक्ता से और अपघटक से। हैं चट्टाने लेकिन प्रभाव सीधे किस पर है, पारिस्थितिकी तंत्र पर। और मैं बता दूं कि किसी भी स्थान पर यदि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाए तो उसे ही हम लोग क्या कह देते हैं, इकोलॉजी कह देते हैं, या उसे हम लोग क्या कह देते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कह देते हैं। हमने क्या देखा कि किस प्रकार चट्टाने वहाँ किसी स्थान विशेष की पारिस्थितिकी और पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। इसके बाद हम देख लेंगे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, जैसे मान लेते हैं चट्टानों का आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक तथा राजनीतिक तंत्र से किस प्रकार संबंध है। मान लेते हैं किसी क्षेत्र विशेष में कोई कहीं पर क्षेत्र विशेष की चट्टानों का अध्ययन कर रहे हैं, तो चट्टाने हमने आपको बताया कि तीन प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और क्या है, रूपांतरित चट्टान।
जब हम आपको आगे चट्टान के बारे में बताएंगे तो हम आपको बताएंगे कि प्रत्येक चट्टान में अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान की अपनी खनिजीय विशेषता है, अवसादी की अपनी, और रूपांतरित चट्टान के अपने कुछ विशेष खनिजीय व्यवस्था है या खनिजीय विशेषता है। आग्नेय चट्टान में अधिकांशतः धात्विक खनिजों की अधिकता होती है, जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये क्या हैं, ये धात्विक खनिज हैं और आग्नेय चट्टानों में अधिकांशतः मिलते हैं। अगर हम अवसादी चट्टानों की बात करें तो यहाँ पर खनिज तेल मिलते हैं। अवसादी चट्टानों के द्वारा ही दोमट मिट्टी और चीका मिट्टी का निर्माण होता है। ये किसका निर्माण करेंगे, मैदानों का। और हम आपको आगे बताएंगे जैसे कुछ बहुमूल्य रत्न हैं ये रूपांतरित चट्टानों में मिलते हैं, जैसे डायमंड, हीरा। तो अब देखिए यहाँ पर अगर धात्विक खनिज हैं तो यहाँ की अर्थव्यवस्था का आधार इंडस्ट्री होगा, उद्योग, जैसे लौह इस्पात उद्योग, भारी उद्योग। और अगर यहाँ पर भारी उद्योग विकसित हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था होगी इसमें मजदूर वर्ग आएगा, मजदूर वर्ग। अगर यहाँ पर अवसादी चट्टानों में अगर कहीं दोमट और चीका मिट्टी से मैदानों का निर्माण हो रहा है तो निश्चित ही यहाँ पर क्या है, खेती की संभावनाएं होंगी अधिक। रूपांतरित चट्टानों की बात करें तो यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई बहुमूल्य खनिज जैसे डायमंड, हीरा या मणिक या इस तरीके के रत्न मिलते हैं, तो यहाँ ऐसी चट्टानें छोटे और हल्के उद्योगों की तरफ इशारा करती हैं। चट्टान है उसका प्रभाव इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री का प्रभाव कहाँ पर है, उद्योग का सीधा सा प्रभाव कैसे है, वहाँ की सामाजिक संरचना पर करके हम ये कह सकते हैं कि इनकी अलग समस्याएं हैं और इनकी अलग समस्याएं हैं। प्रशासनिक स्तर पर जाएंगे और यही प्रशासनिक स्तर का संबंध किससे हो जाएगा, राजनीतिक स्तर से। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चट्टानें किस प्रकार मनुष्य के जीवन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से प्रभावित करती हैं। अब हम आते हैं निष्कर्ष पर। देखिए निष्कर्ष, हमने देखा कि चट्टानें खनिजों से संबंधित होती हैं और खनिज किसी क्षेत्र विशेष की अर्थव्यवस्था को, वहाँ के उच्चावच को, वहाँ के अधिवास को, वहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। हम एक निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि चट्टानें हमारे लिए अत्यधिक बहुमूल्य हैं और उनका संरक्षण और संवर्धन अति आवश्यक है, जिससे कि मनुष्य इनसे अधिक से अधिक लाभ उठा सके। और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जितना सूक्ष्म अध्ययन जियोलॉजी का होता जाएगा उतना ही चट्टानों के बारे में है हम और अधिक विद्वत और विस्तृत अध्ययन कर सकेंगे। ये हमारा एक निष्कर्ष हो सकता है। धन्यवाद। नमस्कार।